20 साल हांगकांग के पुराने काई ताक हवाई अड्डे के महिमा के दिनों को याद रखना। हांगकांग के नागरिक उड्डयन के तत्कालीन निदेशक रिचर्ड सिगेल के बाद से 20 साल हो गए हैं। विदाई बोली लगाई और हांगकांग काई ताक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोशनी बंद कर दी। 6 जुलाई 1998 को शहर के मुख्य वायु केंद्र ने अपने दर बंद कर दिए। चेक लैपकुक में बड़े और घूमने वाले नए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेवाएं बढ़ाई। 2013 में शहर में सबसे बड़ा टर्मिनल काई ताक क्रूज टर्मिनल के रूप में सेवानिवृत्त सुविधा को फिर से नामित किया गया था। 20 वर्षीय नए हवाई अड्डे ने कई उपलब्धियों को हटा दिया है। इसे अक्सर दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। यह के विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे डाइनिंग पुरस्कार का दोहराव विजेता है। यह लगातार 8वें वर्ष के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा रहा है। फिर भी उन लोगों के लिए यादगार याद हैं जिनके पास पुराने काई ताक से उड़ने का मौका था। यह बस उल्लेखनीय हवाई जहाज की को देखकर इसे प्रसिद्ध बना दिया गया। 1998 में बंद होने से पहले काई ताक 1925 में साइट से पहली बार दर्ज की गई उड़ान को पायलटों के अंदर उड़ान भरने के लिए दुनिया के सबसे कठिन हवाई अड्डों में से एक माना जाता था। चूंकि यह सिटी के बीच में बैठा था, समुद्र में हुए एक रनवे के साथ काई ताक में अनुभवी पायलटों के लिए भी बाल भर्ती घटना थी। पूर्व कैथे एयरवेज के संचालन और पायलट रसेल देवी के महाप्रबंधक के पास 30 वर्षों से अधिक उड़ान अनुभव है। वह काई ताक को प्यार से याद करता है। एक पायलट के रूप में यह पूरी तरह अनोखा था। यह दुनिया का एकमात्र बड़ा हवाई अड्डा था जिसने रनवे के साथ 500 फीट से नीचे 45 डिग्री की बारी की आवश्यकता थी, जो सचमुच उच्च वृद्धि वाली इमारतों के बीच उड़ रहा था। प्रसिद्ध के करीब गुजर रहा था। नारंगी और सफेद जे के रूप में आपने रनवे की तरफ आखिरी मोड़ बनाया, उन्होंने CNN यात्रा को बताया। 1987 से हांगकांग में रहने वाले ब्रिटेन के एक शिक्षक और विमानन फोटोग्राफर डेरिल चैपलिन ने हांगकांग पर बड़े विमानों के अद्भुत को चित्रित करने के अनगिनत घंटे बिताए। उपरोक्त उनके काम की एक गैलरी देखें। याद करते हैं काई ताक अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए बहुत अलग था क्योंकि यह शहर में सही था। शेर रॉक हांगकांग में एक प्रमुख पहाड़ी मानक सीधे दृष्टिकोण में अवरुद्ध करता है। इस प्रकार विमानों को रनवे 13 पर उतरते समय का सिटी पर उस विशेष मोड़ को बनाना पड़ता था। देवी का कहना है यह काफी चुनौती थी, खासतौर से तेज हवा की स्थिति में। कहते पायलटों के रूप में हमारे पास बहुत सारी प्रथा थी और दृष्टिकोण को उड़ाने में बहुत ही कुशलता प्राप्त हुई। दृष्टिकोण अन्य एयरलाइंस के पायलटों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, खासतौर से उड़ान की स्थिति की मांग में, क्योंकि वे साल में एक बार काई ताक में आ सकते थे। चैपलिन उन उड़ानों की मांग की मांग के दौरान काई ताक में उड़ानों को याद करते हुए याद करते हैं। काई ताक कार पार्क में होने के कारण भारी बारिश में हवाई जहाज भूमि बहुत ही चिंताजनक हो सकती है। वे कहते हैं पायलट रनवे नहीं देख पाए और पर आपको रनवे के साथ दृश्य होना था। कुछ पायलट को छोड़ने से पहले दूसरों की तुलना में थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे और एक और जाने के लिए चारों ओर चले गए। कुछ दृष्टिकोण पथ पर कम बादलों से बाहर दिखाई देंगे, फिर सत्ता में उतर जाएंगे और बादलों में गायब हो जाएंगे। चैपलिन के लिए सबसे डरावनी याददाश्त एयर फ्रांस 747-200 मालवाहक की थी, जो बेहद कम छत के साथ थी। हम इसे सुन सकते थे लेकिन रोशनी का कोई संकेत नहीं देखा, यह अंधेरा था। वह कहता है यह जोर से और जोर से हो गया तो आप विमान के नीचे लाल बीकन की चमक देख सकते थे। उन्होंने मोड़ को तोड़ दिया और कार पार्क पर
नियंत्रण चला गया और टावर को नियंत्रित कर दिया क्योंकि वह आगे बढ़कर एक और प्रयास के लिए चला गया। वह बहुत जोरदार और चिंताजनक था क्योंकि हमने कभी वास्तविक विमान नहीं देखा। यद्यपि बहुत बड़ा और अधिक आधुनिक हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जुलाई 1st 1998 में खुला गया को दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में से एक माना जाता है, लेकिन काई ताक कुछ तिमाहियों में अभी भी छूट गया है। इसने 73 वर्षों तक हॉन्गकॉन्ग की सेवा की और दुनिया भर के यात्रियों के लिए जाना जाने वाला शहर का प्रतीक था, देवी ने कहा। मेरे पास काई ताक की बहुत यादगार यादें हैं। जब मैं पहली बार कैथे में शामिल हो गया तो मैंने हर बार शहर में एक आगंतुक होने के दौरान सिटी के चारों ओर घूमने के कई घंटों बिताए, विमानों को घरों और दुकानों पर कम उड़ान भरने के लिए देखा। दृष्टिकोण जमीन से वास्तव में अद्भुत लग रहा था और साथ ही एक यात्री, विशेष रूप से यदि आप विमान के दाएं हाथ पर बैठे थे। डेवी का पसंदीदा मार्ग जापान या ताइवान हांगकांग के पूर्वोत्तर से आ रहा था। इसने पायलट को पूर्व शिपिंग चैनल के साथ विमान उड़ान भरने की अनुमति दी। पिछले हरे रंग के द्वीप के हांगकांग द्वीप के अंत में घूमने से पहले और अंतिम दृष्टिकोण बनाने के लिए चेकी ओर बढ़ते हुए वह याद करते हैं, यात्रियों को भाग्यशाली था कि हांगकांग द्वीप के दक्षिण की ओर एक शानदार दृश्य था। तो पर उतरने से पहले केंद्रीय और बंदरगाह